वंदे मातरम वंदे मातरम ना कोई जात ना धर्म कुछ करके दिखाओ अब छोड़ दो शर्म। भारत मेरा देश महान है, 21st century की ये जान है। क्रिएटिविटी और जुगाड़ू लोगों का यहाँ भंडार है। हमारा इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंट्री में से, डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है। और इंडिया के इस 73 इंडिपेंडेंट डे में मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बंद कर दो, या फिर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से जानो और गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर इंडिया पे थोड़ा सा भी गर्व आए तो बिना बोले इस वीडियो को आग की तरह फैला देना। सो भाइयों और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। इनफैक्ट हम चाइना को भी बहुत जल्दी पीछे कर देंगे, ना सिर्फ पॉपुलेशन में बल्कि टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर्स में भी। हमारे देश का 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन यूथ है, यंग है, जिनमें जोश है कुछ भी कर जाने का। और हमारे देश में जितने यूथ है उतना तो किसी देश का टोटल पॉपुलेशन भी नहीं होता। सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है हमारे देश में, सबसे ज्यादा फेसबुक और सोशल मीडिया यूजर है हमारे देश में। इसीलिए तो दोस्तों Amazon, Walmart और Apple जैसी बड़ी कंपनियां हमारे इंडिया पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट करती है। और क्योंकि हमारे देश में इतना ज़्यादा स्कोप है यार, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि पिछले 5 सालों में ही ये दुनिया में बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारे फील्ड में नंबर 1 होने वाली है। और GDP के मामले में हम दुनिया में 3rd रैंक करते हैं। और अगर पावर की बात करूं तो हम 4th नंबर पे आते हैं। हमारी आर्मी, हमारी नेवी दुनिया के सबसे पावरफुल आर्मी और नेवी में से एक है। और हम उन देशों में से एक है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। हमने पहली बार में ही चांद में पानी ढूंढ लिया। और हम एशिया के उन पहली कंट्रीज में से एक हैं जिन्होंने चांद में रॉकेट भेजे। दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर और साइंटिस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पेप्सिको के CEO वो भी हमारे इंडियंस हैं यार। क्रिएटिविटी की बिल्कुल भी कमी नहीं है हमें। हम हर चीज को अलग ही नजर से देखते हैं। हमारा देश का बैंगलोर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत जल्दी सिलिकॉन वैली को भी फेल कर देगा। हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन हर साल 1 मिलियन से ज्यादा बढ़ रही है। यही कुछ बातें हैं जो इंडिया को दुनिया से अलग बनाते हैं। पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमें एक सुपर पावरफुल नेशन मानती है। इनफैक्ट कई सुपर इंटेलिजेंस लोगों का कहना भी है कि 2025 तक इंडिया कई फील्ड्स में सुपर पावर बन चुकी होगी। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले हमारे देश में है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। नासा में 35% से ज्यादा लोग हमारे इंडियंस ही हैं। दुनिया के अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में हम अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इंडिया एक अकेली कंट्री नहीं है यार, यहाँ 31 अलग अलग स्टेट है जहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग रिलीजन फॉलो की जाती है। और हमारे भारत को ग्रीन कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ 23% एरिया ग्रीन है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और हम दुनिया के लार्जेस्ट नंबर में से एक है जहां लोग वेजिटेरियन हैं। और हम दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और 90 से भी ज़्यादा कंट्रीज हमारे इंडिया से सॉफ्टवेयर लेती है। तक्षशिला दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारे देश में है, जो 700 BC में बनाई गई थी। और 2014 में 54 करोड़ लोगों ने वोट किया, जो US, UK, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। डायमंड की खोज भी हमने की, और डायमंड तो दूर की बात, बालों में शैम्पू भी लगाया जाता है ये भी हमने बताया दुनिया को। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के top 5 स्पेस प्रोग्राम में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम हरिकुंड है हमारे देश में। दुनिया की सबसे लंबी सड़क खारदुंगल हमारे देश में है, कुल्लू मनाली में। हमारे इंडिया का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चाय का इन्वेंशन भी हमने किया। और इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करने वाला देश है। पॉपुलेशन के मामले में हम अमेरिका से 3 गुना ज्यादा बड़े हैं। और साइज के मामले में 1.2 मिलियन स्क्वायर में हम फैले हुए हैं। हमारे देश में ही 0 की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से मॉडर्न साइंस आज इतनी तरक्की कर रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई, जिसकी वैल्यू आज अमेरिका जैसा देश भी कर रहा है। हमारे यहाँ 1000 ग्रंथ है, और भगवद गीता जैसी बुक्स जो 5000 साल पहले श्री कृष्णा ने कही थी, आज उन्हीं सभी बातों को मॉडर्न साइंस प्रूफ कर रहा है जो गीता में 5000 साल पहले कहा गया था। और शायद जर्मनी का हिटलर इसकी ताकत को जानता था, इसकी पावर को जानता था, इसलिए उसने अपने टाइम पे भगवद गीता को हिंदी टू जर्मन में कन्वर्ट कराया। 0 की शुरुआत तो हमने की ही, ट्रिग्नोमेट्री भी हमने सिखाया लोगों को।
और अलजेब्रा भी हमने ही दुनिया को बताया। हाँ चलो माना हमारे देश में डेमोक्रेसी है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है, बट ये वो देश है यार जो उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। हमारा देश का कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में से एक है, जो 12 साल में एक बार होती है, और 2001 में तो ये इतनी बड़ी थी कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था, जिसे 60 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया था। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है हमारे पास, 1.5 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस है हमारे पास। यार जितना तो हमारे पास टॉयलेट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र है हमारे पास। हमारे देश के गोल्डन टेम्पल में हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है यार। दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स जो लंदन और ब्रिटेन में है, अरे सर्च करके देखो यार, उनके ओनर भी हमारे इंडियंस ही हैं। हम हर जगह है यार, हम हर फील्ड में हैं और हर फील्ड में हम बेस्ट हैं। हम हर चीज़ को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, हम हर चीज़ में जुगाड़ लगाते हैं यार। क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी है हम में और टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स, हमारे इंडिया में इतना कुछ है यार कि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे देश के कुछ फैक्ट्स, लेकिन अभी भी कुछ नेगेटिव लोगों के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है इंडिया के लिए। मानता हूँ यार डेमोक्रेसी फैली हुई है इंडिया में, करप्शन भी बहुत है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत पुअर है, लेकिन हम यूथ हैं यार और यूथ में ही वो पावर है जो इस देश को दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना सकता है। सारी दुनिया हमें देख रही है दोस्तों और हम सुपर नेशन बनने जा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर आपके पास अभी तक कोई रीज़न नहीं था देश की रिस्पेक्ट करने का, अपने आप पे गर्व करने का, तो आज मैं वो आपको रीज़न दे रहा हूँ अपने आप पे और इस देश पे गर्व करने का। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से फैला दो यार, इनफैक्ट आज मत शर्माओ अपनी फीलिंग को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। तो अपने कॉन्टैक्ट में कम से कम 5 लोगों को शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। भारत माता की जय। वंदे मातरम, बी स्मार्ट बी अवेयर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ना कोई जात ना धर्म, कुछ करके दिखाओ अब छोड़ दो शर्म, है गरम माहौल यहाँ सबको हमसे आस, जब यूथ बदलेगा तभी तो होगा विकास।